हेलो यस सर, साउंड आ रही है ना मलका? जी सर। चलिए, कल कोई नहीं था तो क्लास भी नहीं हुई। अच्छा सर, ठीक ना। आज लैपटॉप से कनेक्टेड है मलका? नो सर, आज भी फोन से कनेक्टेड हूँ। अच्छा ठीक है, जिस दिन लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा बताइएगा, मैं टेस्ट बेट आपका कर लेंगे। सही, ठीक है जी, ठीक है सर। आज पहले क्या करेंगे ना कि इनमें आपके थ्रू ये करके दिखा देंगे। पहले थ्री वे हैंडशेक के बारे में जानते हैं आप या नहीं जानते? व्हाट? थ्री वे हैंडशेक। यस सर, थ्री वे हैंडशेक। चलिए ठीक है, जस्ट एक सेकंड बताते हैं। जैसे यहाँ पर दो सर्वर है ना, दो आपस में कम्युनिकेट आप करना चाहते हैं, ए और बी है। जस्ट
हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ सब। हाँ आ रही आ रही है। चलिए ओके। स्टार्ट करते हाँ, हैं। स्निफिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है? किसका टॉपिक? स्निफिंग, स्निफिंग का, कैसे का। स्निफ करके पासवर्ड निकालते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, अगर कोई पर्सन प्रेजेंट हो तो कैसे उसका निकालते हैं पहले पासवर्ड्स, है ना? ओके। तो पहला ये चीज मेरे को बताइए, ये थ्री वे हैंडशेक के बारे में तो पता है आपको भी। हाँ जी। हाँ, तो जैसे ए और बी दोनों आपस में कम्युनिकेशन अगर करना चाहता है तो पहले ए क्या करता है, इसको कौन सा पैकेट सेंड करता है? सिन पैकेट, है ना? ए जो है वो जब बी को सिन पैकेट सेंड करता है तो बी साथ में क्या करेगा, ए को अगेन बी जो है वो सिन प्लस एक्नोलॉजमेंट पैकेट सेंड करता है, सिन प्लस एक्नोलॉजमेंट। ओके, सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। एंड लास्ट क्या होता है कि ए फिर वापस बी को एक्नोलॉजमेंट पैकेट सेंड कर देता है। तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन क्रिएट होता है वो क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक होता हैंड शेकिंग। हाँ जी। है ना? तो ये नेटवर्किंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीजें होती है थ्री वे हैंडशेक में। तो आज हाँ हमें जी। करना क्या है, तो आज हमें सबसे पहले वायर शार्क का यूज करना है पहले, ठीक है? वायर शार्क। हाँ, वायर शार्क का यूज करेंगे। और वायर शार्क का यूजेस पढ़ा हुआ है ना आपका? मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट चलिए कोई नहीं, फिर आप पढ़ा चुके हैं मतलब, या नहीं 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 वहां नेटवर्किंग में पढ़ना होगा वायर शार्क के बारे में, जो पैकेट एनालाइजर टूल था, पैकेट जो एनालाइज करता था। वायर शार्क हमने नहीं पढ़ा। अच्छा चलिए कोई नहीं, फिर बता देते हैं हम ही, है ना? तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मशीन है ना? एक ये मशीन है हमारे पास, और इस मशीन का दे दिया जल्दी जल्दी, और इस मशीन का क्या है, यहाँ पर आईपी हमें पता है 111 है, 111 है ये आईपी इसकी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको स्कैन कर लेते हैं। तो एनमैप हाइफन ए नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट स्कैन कर लेते हैं, पता चल जाए कि आईपी इसके अंदर कौन कौन सा ओपन है। 43.111 ये कर दिया। अब ये टोटल बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो जितने सारे या पोर्ट्स ओपन ये है ना, किसकी आईपी है? ओके। ये इस मशीन की आईपी, एक मशीन यहाँ पर मैंने एक लैब क्रिएट किया हुआ है ना वर्चुअल बॉक्स में, उसी मशीन की ओके आईपी है ये, ठीक है? ओके। तो इसके अंदर इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, अब हमें करना क्या है, एनमैप की स्कैनिंग करके वायर शार्क के थ्रू पैकेट कैप्चर करके दिखाएंगे, ठीक है? एनमैप की स्कैनिंग प्लस में वायर शार्क के थ्रू पैकेट कैप्चरिंग, आफ्टर दैट स्निफिंग पर आएंगे अपने टॉपिक पर, सही है? ठीक तो सबसे पहला पार्ट जो एनमैप का यहाँ पर दिया हुआ है, इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, इतने सारी सर्विसेज चल रही है, तो एक पहला पोर्ट ये 21 ले लेंगे, ये 21 पोर्ट इसका ओपन है, एक बार ओपन पोर्ट्स पर चेक करेंगे, दूसरा क्या करेंगे क्लोज पोर्ट पर चेक करेंगे, है ना? एक बार ओपन पोर्ट पर और दूसरा क्या करेंगे क्लोज पोर्ट पर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एनमैप की स्कैनिंग करना है। नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और एनमैप हाइफन एस, सॉरी, एनमैप हाइफन एस टी, टी इट मींस क्या होता है, टीसीपी स्कैनिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं। एनमैप के कमांड्स में ये सारी चीजें होती है। हाइफन एस टी का मतलब क्या होता है, टीसीपी स्कैनिंग के लिए। हाइफन एस यू लेंगे तो यूडीपी स्कैनिंग के लिए, हाइफन एस एफ लेंगे तो फिन स्कैनिंग के लिए, हाइफन एस एन लेंगे तो नल स्कैनिंग के लिए, ठीक है? हाइफन एस एन लेंगे तो नल नल स्कैनिंग, एन यू डबल एल। हाँ, ओके। तो ये सब स्कैनिंग के, स्कैनिंग का अगर कोई, जैसे आप किसी के वेबसाइट पर अगर स्कैन करते हैं तो पैकेट किस तरह का जाता है, कैप्चर कैसे होता है, रीसेट पैकेट कैसे आते हैं, फ्लैक्स पता है ना, फ्लैक्स टोटल 6 होते हैं, मलका आपको पता है फ्लैक्स टोटल जो होते हैं ना, फ्लैक्स इन नेटवर्किंग चेक करिएगा, 6 फ्लैक्स होते हैं टोटल, है ना? नाइन होते हैं ना? ऐसे 9 होते होंगे लेकिन 6 फ्लैक्स तो होते हैं ना, फ्लैक्स इन, एक ओके। सेकंड दिखा दे, नाम याद है मुझे भी सिक्स ही टीसीपी? याद है इसका। आपका सिन है, एक है, और हाँ आपका पुश है, रीसेट का है, फिन सिक्स ही होता है। है, ठीक है? फिनिश पैकेट हो गया, रिसेट पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट है, सिन पैकेट है,
और है ये सारा दिया हुआ है, RST अर्जेंट पैकेट है, अर्जेंट पैकेट है, हाँ यही होता है, सही है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वायरशार्क के थ्रू कैप्चर करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, एक पोर्ट ओपन पोर्ट पर चेक करेंगे, एक बार क्लोज पोर्ट पर चेक करेंगे। तो -ST लिया, पोर्ट नंबर 21 ओपन था, सही है। IP चेक कर लेंगे यहाँ पर 192.168.43.111, सही है। अब पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट करने के लिए पहले आपको वायरशार्क ओपन करना होगा। लिनक्स में उबंटू में वायरशार्क प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वायरशार्क डालेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे वायरशार्क ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वायरशार्क है हमारा, ये ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स, क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। जैसा ऐसा आ रहा है इसमें कि क्या बोले, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पर IP एड्रेस का एक फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने का मतलब क्या होता है कि जो देखना है बस वही दिखाएगा, फालतू का नहीं दिखाएगा, ठीक है। इंटर कर लेते हैं और ये इसी का फिल्टर दिखाएगा। क्या करते हैं, इंटर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये पोर्ट ओपन था, पोर्ट ओपन था, हमने क्या किया था, TCP स्कैनिंग की थी, -ST सर्विस FTP की थी, ओपन पोर्ट्स थे, तो ओपन पोर्ट्स पर इसका पैकेट कैप्चर करके कैसा आएगा वो चेक करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये चीजों को, क्योंकि तो यहाँ से समझ में आएगा सही से। तो सबसे पहला ये कर क्या रहा है यहाँ पर, 43.36, 36 हमारे काली लिनक्स की IP है, और 111 जो है वो हमारे मेटास्प्लोइट टेबल की IP है, ठीक है। 36 111 से कनेक्शन क्रिएट करना चाहता था, 36 111 से कनेक्शन क्रिएट करना चाहता था। इसने कौन सा पैकेट सेंड किया, पहले सिन पैकेट सेंड किया, फिर 111 ने क्या किया, उसका रिप्लाई दिया सिन प्लस एक्नोलॉजमेंट पैकेट। फिर 36 111 को रिप्लाई देता है किसका, एक्नोलॉजमेंट पैकेट, हाँ। एंड लास्ट वन 36 अगेन 111 को रिप्लाई देता है रीसेट पैकेट, इट मींस रीसेट पैकेट प्लस एक्नोलॉजमेंट, मतलब अब कोई कनेक्शन जनरेट नहीं करना चाहता। किस पोर्ट पर ये हुआ है सारा, 21 21 21 पर, है ना। समझ आया या नहीं आया, यस सर। नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। दिस इज ओनली फॉर TCP स्कैनिंग। चलते हैं इसको हटा दें, दूसरा स्टार्ट करते हैं, फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और TCP स्कैनिंग करेंगे एक क्लोज पोर्ट पर। तो पोर्ट नंबर क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 इसमें वैसे भी नहीं ओपन था, 338 ले लेते हैं, चलिए ये RDP का पोर्ट है। ये करते हैं, पोर्ट क्लोज है, पोर्ट क्लोज होने पर ये पैकेट कैसा कैप्चर करेगा। पहले इसने क्या किया, सिन पैकेट सेंड किया। जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे जलज को बोल रहे हैं हाय जलज, तो जलज उधर से कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर मे बी वो कनेक्शन में नहीं होंगे। तभी तो सबसे पहले 36 111 से कनेक्शन रिसेट करना चाहता था, सॉरी इस्टेब्लिश करना चाहता था, तो सिन पैकेट सेंड किया। सबसे सिन पैकेट ही सेंड करते हैं, किस पोर्ट नंबर पर किया था, 3389 पर। क्या रिप्लाई आया, नहीं आया, रीसेट पैकेट, ठीक है, हाँ रेस्ट पैकेट इसको। चले आगे, ये इसने यहाँ पे उसको सिंक और एक इसलिए नहीं भेजा बिकॉज ये क्लोज पोर्ट है, हाँ क्लोज पोर्ट था, ओके है ना। जैसे आप क्लास में अगर अब्सेंट, तो उस दिन आपका नाम भी लेते रहेंगे, कोई फायदा तो है नहीं, कोई रिप्लाई तो आना वाना आएगा ही नहीं उधर से, है ना, तो इसलिए पैकेट आया यहाँ पर, है ना, ओके चले आगे। हाँ जी, यस सर। इसको बंद इसलिए कर दे रहे हैं ना, स्टॉप करना और फिर से नया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, हम इसी में भी कर सकते थे। स्टार्ट कर दिया मैंने, अब TCP स्कैन, अगला नंबर जो आता है हमारा UDP स्कैनिंग का आता है, तो -ST के जगह पर क्या लगा देंगे, यू इंटर करेंगे, पोर्ट UDP का पोर्ट इसका ये क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, UDP का ये पोर्ट रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ये दिखा रहा है, कैप्चर पैकेट्स क्या कैप्चर करके दिखा रहा है, यहाँ 33.36 सेंड किया UDP, कुछ नहीं, पोर्ट अनरीचेबल। दूसरा देखे इसमें कर, ये भी पोर्ट का स्टेट क्या है, क्लोज्ड है, इस पैकेट क्या कैप्चर किया, सेम टू सेम वही आ रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है, कोई नहीं। जो UDP पोर्ट होता है ना उसी पोर्ट को लेंगे तभी आप कर सकते हैं, UDP के लिए स्कैनिंग आप कर रहे हैं, 20 तो इसके अंदर होता ही नहीं है, 22 देख ले,
यूडीपी का ये पोर्ट ही नहीं है तो इसलिए क्लोज आ रहा है। कौन कौन सा पोर्ट्स यूडीपी का होता है वो एक बार चेक कर, पोर्ट्स डीएनएस होता है एक एक और एक इसके अंदर ये तो पोर्ट ओपन और ये है सारे डीएनएस है डीएससीपी के 67 इसके पोर्ट्स ओपन थे, वैसा कोई पोर्ट इसके अंदर तो ओपन नहीं है। है ओपन 53 है ना ऊपर, का ही पोर्ट इसके अंदर ओपन है यूडीपी, बट इसमें 53 डीसीपी दिखा रहा है बट दैट इज एक्चुअली यूडीपी। कोई नहीं कोई नहीं, हां चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी, आप चेक करो। हां वैसे तो टीसी जो यूडीपी है वो तो टीसीपी होगा ही होगा, टीसीपी होगा ही, सही बात है। हाँ ओपन दिख रहा है। हाँ जी अब कैप्चरिंग पैकेट्स यहाँ पर देखते हैं क्या आया, कहाँ गया, नया कर लेते हैं ये कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ओपन आएगा लेकिन ये रिप्लाई किस तरह का होता है वो देखते हैं क्योंकि हम खुद से रिप्लाई नहीं कर रहे इसको। ये क्या किया 36111 को, कौन सा प्रोटोकॉल है डीएनएस प्रोटोकॉल है ये, इससे क्या कर रहा था यहाँ पर, ये कर रहा था यहाँ पर यही आएगा सर्विस स्टेटस ये दिखेगा, फिर ये 111 36 के साथ डीएनएस ये सर्विस स्टेटस रिस्पॉन्स मिलेगा नॉट इम्प्लीमेंटेड, और ये 36111 यहाँ पर क्या होगा सेम टू सेम यानी डीएनएस डीएनएस एंड लास्ट वन कौन सा प्रोटोकॉल आईसीएमपी, इसी तरह का दिखता है यूडीपी स्कैनिंग होता है तो ठीक है। यूडीपी अगर स्कैनिंग आप करेंगे तो इसी तरह का प्रोटोकॉल आपको दिखेगा टोटल का टोटल, ठीक है सर। हाँ हाँ बोलिएगा। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे यूडीपी का ये वाला जो पोर्ट था वो ओपन था, हाँ तो इसने सिर नहीं आया एक्नॉलेज या कुछ क्यों नहीं किया? नहीं नहीं वो नहीं आएगा इसके अंदर, अभी बहुत सारा फिन स्कैनिंग करेंगे, हाँ फिन स्कैनिंग करेंगे नल स्कैनिंग करेंगे तो उसमें तो सिम और उसमें नहीं मिलेगा, नल स्कैनिंग भी एक बार करके देख लीजिए इसी तरह का आएगा, है ना, किस तरह का आता है वो हम बताना चाह रहे हैं आपको, है ना। ये वॉइस टॉक के थ्रू तो अपना जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेटास्प्लॉइट है अब मैं उसके अंदर अगर लॉगिन करने की कोशिश करूं तो आईडी पासवर्ड भी तो निकल जाता है ऐसे? हाँ हाँ निकल जाता है, वो सब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पढ़ाएंगे ना। अच्छा ओके सब बताएंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हर एक पोर्ट से कैसे कनेक्शन करते हैं, इसके हर एक पोर्ट के थ्रू कनेक्शन करना सिखाएंगे, ठीक है टोटल पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, ये तो हो गया, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट जो है टीसीपी हो गया यूडीपी भी हो गया, अब क्या करना था फिन स्कैनिंग, फिन में देखते हैं क्या आता है, ये हाइफन एसएफ किया पोर्ट नंबर 21 इंटर करते हैं फिन स्कैनिंग में, ओपन है लेकिन क्या है फिल्टर दिखा रहा है, चलते हैं यहाँ पर क्या आता है ये रिक्वेस्ट पढ़िए, फिन स्कैनिंग दिख रहा है पोर्ट नंबर 21 पर कौन सी स्कैनिंग हुई है, फिन स्कैनिंग हुई है यहाँ पर 36111 को ही किया है, 36111 को ही किया है, 111 से कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन है, ये टीसीपी यूडीपी तो समझ में आता है बट ये फिन स्कैनिंग क्या है आप? चलिए इसके बारे में बता देते हैं, एक बार इसके बारे में चेक कर लीजिए फिन स्कैनिंग क्या, ऐसे एनमैप भी अगर आप टाइप करेंगे ना तो इसके अंदर मिल जाएगा। ये क्या होता है स्टैंडर्ड यूज ऑफ सिन पैकेट इज टू टर्मिनेट द टीसीपी कनेक्शन, ये टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है टिपिकल आफ्टर द डेटा फ्लैग होता है ना। हाँ ये एक फ्लैग ही होता है ये भी, और फ्लैग का ही चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके तो सही है, ये इस तरह का इसको चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बट इसका पर्पस क्या है एक फिन फ्लैग को चेक करने का? ये फिन का ये चेक ही इसलिए होता है, स्टैंडर्ड यूज इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि फिन पैकेट टू टर्मिनेट द टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है ना, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए फिन पैकेट सेंड किया जाता है। मेरा वो क्वेश्चन है दीपक, वो आई नो बट मेरा क्वेश्चन है कि इसको स्कैन करने का क्या पर्पस है हमारा? स्कैनिंग करने का, जैसे अगर कोई कोई स्कैनिंग करता है ना, स्कैनिंग कर लिया है ना, स्कैनिंग कर लेने के बाद क्या होता है कि फिन पैकेट सेंड करते ही है लोग कि कनेक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाए खत्म हो जाए, कुछ भी करने के लिए फिन स्कैनिंग लास्ट में लोग करते ही करते हैं, है ना ऐसा, और इसका कुछ वैसा है नहीं इसमें, एक मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मतलब फिन मेरे के नेटवर्किंग में टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेट करना है तब हम फिन फ्लैग भेजते हैं, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन हम जो ये फिन को स्कैन कर रहे हैं इससे हमारे को क्या हेल्प मिल रही है? जस्ट एक सेकंड, मेन इसका काम ही है टर्मिनेट करना कनेक्शन को, है ना, तो हम क्यों देख रहे हैं मतलब
वो तो जैसे बता रहे थे ना, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ये नेटवर्किंग में कवर होता है, लेकिन जस्ट बता रहे हैं कि अगर फिन स्कैनिंग हम करेंगे तो उसमें पैकेट्स किस तरह का आएगा, वो चेक करा रहे थे आपको। तो पैकेट क्या आया आपके पास, जैसे आपने क्या किया कि फिन स्कैनिंग जब किया तो फिन स्कैनिंग करने पर रिप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा था, कनेक्शन एक तरह से क्या था रिसेट हो गया था, कोई कनेक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए ये ऐसा आपको दिख रहा था। जैसे फिन स्कैनिंग आपने किया है ना, तो ये क्या आ रहा था यहाँ पर पोर्ट नंबर 21 पर आपने किया फिन स्कैनिंग किया, तो लेकिन यहाँ पर कोई रिप्लाई आपको मिला नहीं 111 से, 111 से कोई रिप्लाई नहीं मिला, जो भी हो रहा है वो 36 से ही हो रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ साउंड आ रही है ना। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पर फिन पैकेट का यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसका यूजेज ही यही है, फिन पैकेट का मेनली यूज जो है फिन पैकेट किस लिए यूज किया जाता है, तो हाँ फिन पैकेट किस लिए यूज किया जाता है, तो फिन पैकेट इज यूज टू टर्मिनेट द टीसीपी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। यहाँ पर ये कौन सा पोर्ट है, सोर्स पोर्ट है, और ये क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो इसके बाद इसके बीच में टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो फिन स्कैनिंग करते हैं। और कहा जाता है कि इसमें जो आप सिम पैकेट जो सेंड कर रहे हैं ना, जो जैसे सिम पैकेट किस लिए सेंड किया जाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए है ना, किया जाता है ना सिम पैकेट सेंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो सिम पैकेट किस लिए सेंड करते हैं, तो सिम पैकेट का काम होता है आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बोलता है यहाँ पर कि एनमैप क्या करता है कि एक तरह से स्टार्ट करता है जब फिन स्कैन, तो किसके लिए करेगा, तो फिन पैकेट सेंड करने के लिए। और जब इसमें पोर्ट्स अगर ओपन होंगे तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, पोर्ट अगर ओपन हो फिन स्कैनिंग में तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। और फिन स्कैनिंग का जो यूज किया जाता है वो हम लोग लिनक्स की मशीन पर ही करते हैं, विंडो का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है ना, विंडो 10, ये जो विंडो 10 का जो लेटेस्ट वर्जन या विंडो 10 भी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उस पर ये फिन स्कैनिंग आप नहीं चला सकते। लिनक्स किसी की मशीन होगी ना, लिनक्स, उस पर आप फिन स्कैनिंग कर सकते हैं। तो फिन स्कैनिंग करते क्यों है, तो बस टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिन स्कैनिंग कर दिया जाता है, ठीक है, कि ओके, कनेक्शन हमारा टर्मिनेट कर जाए। सही है, चले आगे। अब क्या होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं ना वो फिन पैकेट सेंड कर देते हैं। जैसे कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हुआ है आपका, जैसे आप वेबसाइट से रिप्लाई ले रहे हैं, रिप्लाई लिए, जितना जो आपको करना था, रिप्लाई करने के बाद जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं हैकर्स, फिन पैकेट सेंड कर देते हैं। और जैसे फिन पैकेट सेंड करेंगे, कनेक्शन अपने आप इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें की जाती है। तो जब पोर्ट ओपन होगा तो सोर्स फिन पैकेट सेंड किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई दिख रहा है यहाँ पर। नहीं, तो ये चीज था यहाँ पर फिन पैकेट में जो हम लोग चेक कर रहे थे। लेकिन अच्छा एक चीज बताया यहाँ पर, जो हम लोग अगर क्लोज पोर्ट पर चेक करेंगे तो क्लोज पोर्ट पर क्या आएगा, क्लोज पोर्ट पर अगर हम लोग चेक करें यूडीपी स्कैनिंग तो क्या आएगा, सॉरी फिन स्कैनिंग अगर करें तो क्या आएगा क्लोज पोर्ट पर, एक्चुअली कुछ नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ यस रेस्ट पैकेट आना चाहिए, ठीक है, हम्म, सही है, पोर्ट क्लोज है। और देखते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या पैकेट कैप्चर हुआ है, कहाँ चला गया, वो स्टार्ट ही नहीं किए थे। चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर से स्कैनिंग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं क्या आया, पहले फिन पैकेट सेंड किया और दूसरा क्या है, रेस्ट प्लस एक्नोलेजमेंट, कोई पोर्ट ओपन ही नहीं था,
इसलिए इसने रेस्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड कर दिया। कौन से सेंड के? 111। उस टाइम तो 111 रिप्लाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस टाइम 111 रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि पोर्ट ही ओपन नहीं है, तो क्या हो गया? रेस्ट पैकेट हो गया, कोई पोर्ट नहीं था, क्लोज पोर्ट पर ये इस तरह का आपको होता है। सही है, चले आगे। नल स्कैनिंग में क्या होना चाहिए? नन हो जाना चाहिए। तो चलते हैं नल स्कैनिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं। नल स्कैनिंग नल स्कैनिंग के लिए हाइफन क्या यूज कर लेंगे? एस एन। ठीक है, तो नल स्कैनिंग क्या होता है ना कि एक सीरीज होते हैं। ठीक है, नल स्कैनिंग है क्या, ये सब नेटवर्किंग में कवर होना था। तो नल स्कैनिंग क्या होता है कि नल स्कैनिंग इज अ सीरीज ऑफ टीसीपी पैकेट्स विच होल्ड अ सीक्वेंस नंबर ऑफ जीरो। ये क्या करता है ना कि मतलब जीरो के सीक्वेंस नंबर को ये क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे कि 0000 इस तरह का ये होल्ड करता है। और कहता है सिंस देयर आर नो नन फ्लैग सेट द डेस्टिनेशन विल नॉट नो हाउ टू रिप्लाई द रिक्वेस्ट। मतलब कोई जैसे अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं और कोई बोल भी नहीं रहे, तो आप क्या रिप्लाई करिएगा? कुछ करेंगे रिप्लाई आप? नहीं। तो वही चीज होता है इसमें, सीक्वेंस ऑफ जीरो ये सेंड करता है, जिसके कारण जब पूछ नहीं जाता तो ये रिक्वेस्ट जो होता है उसको भी क्या करता है, डिनाई कर देता है, नो रिप्लाई करता है। तो एक बार इंटर करके चेक कर लेते हैं कि क्या आया। ये ओपन पोर्ट था, इस पर ये स्कैनिंग किया, क्या आया? नन आया, नन। नल स्कैनिंग कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, डिस्कार्ड कर देता है पैकेट को, नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं सेंड करेगा ये, है ना। यानी कोई रिप्लाई नहीं आया, 111 से कोई रिप्लाई आया नहीं, आया डिस्कार्ड कर दिया पैकेट को, क्योंकि आप इस तरह का फ्लैग भेज रहे हैं, कोई फ्लैग ही नहीं भेज रहे हैं। नल स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जीरोस होते हैं, 0000 होते हैं, तो कुछ है ही नहीं, पैकेट आप कुछ सेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह का ये होता है इसमें। ठीक है, सही है कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्लोज पोर्ट के लिए सेंड करेंगे तो क्या आएगा? क्लोज पोर्ट के लिए एक्चुअली रीसेट ही आना चाहिए, बिकॉज़ वो पोर्ट टू क्लोज है ना। सही है, रीसेट ही आना चाहिए, और देखते हैं आता है या नहीं। कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आ गया, नन तो गया ही, क्योंकि सीरीज ऑफ जीरो है, नल स्कैनिंग है, और सेकंड में क्या गया? 111 कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि है ही नहीं था, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ये क्या होता है, क्या था इसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह का हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरह से स्कैनिंग करना है। तो सबसे पहला XMAS स्कैन होता है, XMAS है ना, XMAS। ये स्कैनिंग क्या होती है? तो XMAS स्कैनिंग जो होती है, ये आपका अगर किसी भी NMAP टूल के थ्रू, ज्यादा तो नेटवर्किंग में नहीं जा रहे हैं ना, नहीं बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं भी पता होगा ना तो कुछ जान लीजिएगा तो सही है, लेकिन हाँ, पैकेट्स कैप्चरिंग करना आना चाहिए, अदरवाइज स्निफिंग कैसे करेंगे अगर पैकेट कैप्चर ही करना नहीं जानेंगे तो। तो सबसे पहले XMAS स्कैनिंग के अंदर क्या होता है कि जब सपोज करिए कि आप सोर्स जो है ना, सोर्स हमारा क्या है, 36 ही है, तो सोर्स हमारा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है फिन पैकेट, उस पैकेट और अर्जेंट पैकेट सेंड कर रहा है कोई स्पेसिफिक पोर्ट पर, पोर्ट नंबर 21, 22, कुछ भी ले सकते हैं हमें आता हूं। ठीक है, तो पहले एक बार स्कैनिंग कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। XMAS स्कैनिंग के लिए क्या लेना पड़ेगा? X कैपिटल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, और इसमें इंटर करके और देखते हैं कि क्या पैकेट कैप्चर होता है। यहां पर ये किया मैंने, तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा होगा फिन पैकेट, पुश पैकेट और अर्जेंट पैकेट, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जब सोर्स क्या करता है, सेंड करता है डेस्टिनेशन को फिन पैकेट, पुश पैकेट एंड अर्जेंट पैकेट, एंड इफ द पोर्ट इज ओपन, अगर पोर्ट ओपन होगा तो ये क्या करेगा ना, इसको डिस्कार्ड कर देगा, ये कुछ कोई रिप्लाई नहीं देगा, समझ गए? क्यों? ये इसका यही होता है XMAS स्कैनिंग में, यही है कि अगर फिन पैकेट, जैसे पोर्ट ओपन होगा और आप फिन पैकेट भेज, अब देखिए एक रास्ता खुला हुआ है और आप क्या कर, अर्जेंट भेजना भी चाह रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, भाई रास्ता जब खुला हुआ है तो आओ ना, अब फिर फिन पैकेट क्यों सेंड कर रहे हो, पुश पैकेट क्यों सेंड, अर्जेंट पैकेट क्यों सेंड कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? जैसे रास्ता ओपन है, ओपन पोर्ट है हमारा, उससे आप इंटर कर सकते हो, अब उसमें भी पुश कर रहे हो आप, है ना,
तो ये चीजें अगर आप करोगे तो इसके लिए आपका ये रिप्लाई यही आएगा, डिस्कार्ड कर देगा पैकेट्स को ही, ठीक है। पोर्ट अगर क्लोज रहता है ना तो इसको चेक करके देख सकते हैं, पोर्ट क्लोज हो तो इसके अंदर क्या होगा, तो पोर्ट अगर क्लोज होगा तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना। एक सेकंड इसको न्यू स्टार्ट कर ले। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा है? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, पर वीडियो देख के दोबारा शायद आ जाए, बाकी डाउट अगर वीडियो देखने से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि फिर हाँ ज्यादा समझ में आता है वीडियो से। एग्जैक्टली हां, एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आई तो फिर से बताइएगा, है ना। हां श्योर सर। एक्सप्रेस स्कैनिंग में क्या बताए थे, सोर्स डेस्टिनेशन को क्या सेंड करता है, पिन पैकेट सेंड करता है, पुश पैकेट एंड अर्जेंट पैकेट, ये बताए थे ना अभी। सेंड किया, डेस्टिनेशन क्या बोला, क्लोज है, डेस्टिनेशन क्लोज है तो बोल दिया पैकेट अब आगे तो जाएगा ही नहीं, रेस्ट पैकेट कोई कनेक्शन ही कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है ये, मतलब इसमें पोर्ट क्लोज था ना ये वाला। हाँ, ये पोर्ट क्लोज था तो इसमें रेस्ट पैकेट जाएगा। देखिए जो पोर्ट क्लोज होगा ना उसमें रेस्ट पैकेट होगा ही होगा, रेस्ट मिलेगा ही, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। देखो दीपक, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्लोज पोर्ट तो क्लोज पोर्ट है, उसके साथ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मतलब कोई भी हैकर या कुछ हो सकता है उसमें भी। नहीं नहीं, क्लोज पोर्ट अगर रहता है ना तो क्लोज पोर्ट है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ फिल्टर्ड पोर्ट पर हैकर कर सकते हैं, ओपन पे क्लोज पे क्लोज पर नहीं, वो क्लोज तो जितना पोर्ट आप क्लोज कर देगा, जितना इंटरनेट से दूर चले जाइएगा उतना सिक्योर हो जाइएगा, इंटरनेट चलाइएगा ही नहीं तो और सिक्योर हो जाइएगा। नहीं नहीं, जैसे पोर्ट्स जो क्लोज रखे जाते हैं तो उनको, मतलब हम सीख रहे हैं उनको स्कैन करना, बट अल्टीमेटली उसको ना सिक्योरिटी की जरूरत है ना उसको कोई हैक कर सकता है। हाँ, उसको कोई मतलब ही नहीं है, पोर्ट आप स्कैन किए बंद किए हुए तो उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अब जैसे आप ओपन करते हैं अपने काम के लिए ओपन करते हैं, जैसे पोर्ट आपको ओपन करने का रीजन क्या होता है, घर में डोर किस लिए होते हैं, डोर होते हैं रीच टू अस। हाँ, तो डोर होते हैं तो जितना ज्यादा डोर बनाइएगा उतना ज्यादा ये सिक्योरिटी का आपको डर रहेगा, तो वही चीज होते हैं यहाँ पर भी। बोलिए जी। मैं को यहाँ पे ये समझना था कि मतलब हमें इतना इसको क्लोज पोर्ट्स को इतना कॉन्सेंट्रेट होकर के समझने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बता रहे थे कि यहाँ ओपन पोर्ट में क्या होगा, नहीं तो ऐसे लगता ना अभी, जैसे क्या बताया आपको एक्सप्रेस स्कैनिंग में बता रहे थे कि फिन पुश अर्जेंट पैकेट सेंड किया, फिर दूसरे लाइन में भी फिन पुश अर्जेंट पैकेट था, पैकेट को डिनाइड कर दिया, तो पैकेट डिनाइड कर दिया तो क्वेश्चन तो दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भाई अगर क्लोज पोर्ट होगा तो आप बताओ क्लोज पोर्ट में भी क्या होगा, तो भाई क्लोज पोर्ट में दिखा दिए कि अगर क्लोज पोर्ट होगा तो ऐसा कुछ है नहीं, उसमें रेस्ट पैकेट ही जाएगा, है ना। ओके सर, मैं ये पूछ रहा हूं, मलका प्रेजेंट नहीं है क्या आज? है मलका? है यस सर, हूं मैं। मलका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज। वो म्यूटेड था। अच्छा ओके, एक चीज पूछिए सर। हां हां, जैसे अपना काली में तो nmap hyphen p के थ्रू मैं पोर्ट स्कैन करता हूं कि कौन से ओपन है, फिल्टर्ड है, क्लोज है। अगर मुझे यही चीज विंडोज में करनी हो तो अपने सिस्टम में चेक करने के लिए कि मेरे सिस्टम के अंदर पोर्ट्स कौन से ओपन है या कौन से क्लोज है, वो विंडो का कर सकते हैं, आईपी चेक कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन के लिए आप एक्सप्रेस स्कैनिंग, नल स्कैनिंग ये सब नहीं चला सकते। नहीं, चलानी मुझे बस ये चेक करना है कि मेरे सिस्टम के, मतलब मेरी विंडोज आईपी डाल करके चेक कर लीजिए, आईपी जैसे डाल करके कैसे स्कैन कर रहे थे चेक कर लीजिए स्कैनिंग करके, शुरू में ही आज अभी बताए थे ना nmap और आईपी। ये सीएमडी पे भी चलेगा? नहीं नहीं, सीएमडी पर नहीं, काली लिनक्स में डाल करके देख लीजिए। हां वो तो काली लिनक्स टूल बताया था ना मैंने, zenmap टूल होता है। नहीं नहीं, ये तो काली लिनक्स की बात कर रहा हूं मैं, विंडोज की बात कर रहा हूं। विंडो के लिए ही बताए थे zenmap, zenmap zenmap, हाँ zenmap टूल विंडो के लिए ही होते हैं। ओके ठीक है, चले आगे। हाँ जी सर, अब आते हैं अपने क्लास पर, बहुत टाइम ले लिए नेटवर्किंग में, लेकिन काम था हमें भी इसका। तो सबसे पहला काम क्या है हमें जो करना है, कवर क्या करना है कि कैसे हम लोग पासवर्ड्स निकालते हैं। अभी देखिए अटैक करना बता देते हैं कि कैसे कोई अटैकर का पासवर्ड निकाला जा सकता है, और हम जस्ट बताएंगे इसके बारे में, क्या उसको बोलते हैं, एक दिखा देंगे पासवर्ड निकाल करके कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं दिखा सकते बिकॉज स्निफिंग जब भी होती है वो किस पर होती है नहीं पता, नहीं पता, कल ही बताए थे मतलब पिछले क्लास में, स्निफिंग जब भी होती है वो क्लोज, ये क्या बोलते हैं, स्विच बेस्ड नेटवर्क में ही होती है। जैसे स्विच बेस्ड नेटवर्क
समझ आता है या किसी को, कि वो भी नहीं आता? स्विच बेस्ड नेटवर्क, स्विच बेस्ड नेटवर्क, हाँ, जिसमें स्विचेस के थ्रू नेटवर्क ही होती है, दैट इज व्हाट ना. तो आपके है अभी घर में मैम, तो चला लेंगे. मेरे पास तो राउटर है, ओनली राउटर है, स्विच राउटर है, बट ये मल्टी मल्टीपल यूसेज है. हाँ, मल्टीपल यूजेज है, कंपनीज में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है, और जिसके कारण स्विच पोर्ट यूज करना, स्विच पोर्ट जो होता है, जो स्विच होते हैं ना, वो आजकल का लेटेस्ट है. और हब जो होता है वो क्या था, आउटडेटेड है, पता है ना हब के बारे में? हाँ, हब आउटडेटेड है. और हैकर क्या करता है, कैम टेबल के बारे में बताया था पिछले क्लास में, याद है जलज? हाँ सर, कैम टेबल आपका उसमें सारा डेटा वगैरह स्टोर होते हैं ना. कहाँ होता है ये? आईपी वगैरह स्टोर होती है, मैक एड्रेस आईपी. यस, किसमें पाया जाता है कैम टेबल? ये नहीं याद मेरे को. स्विच के अंदर होते हैं, ठीक है, स्विच के अंदर कैम टेबल होता है, और वही कैम टेबल के अंदर ही सारे मैक एड्रेसेस वो रहता है. हैकर क्या करता है, स्विच हब में कैसे कन्वर्ट होता है, उसे फिल कर देता है कैम टेबल को. सही है, बहुत अच्छा. तो कैम टेबल को क्या करेगा हैकर, फेक मैक एड्रेस एंड फेक आईपी एड्रेस से वो सेंड कर देगा, है ना. और फ्लडिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लडिंग बोलते हैं, मैक फ्लडिंग, है ना. और वो फ्लडिंग करके क्या करेगा, पूरा का पूरा जब वो फिल हो गया कैम टेबल, और जैसे स्विच का कैम टेबल फुल हो गया, तब आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तब हैकर आपको अपने हिसाब से कनेक्ट कराएगा कि आ जाओ मेरे नेटवर्क में, और सारा का सारा कनेक्शन हम लेके, और वो लेके भी दिखाता है. तो कैसे करते हैं इसके लिए टूल्स, चलिए देखते हैं, और वीडियो दिखा देंगे. हमारे पास वीडियो है जिसमें पासवर्ड निकला हुआ है, अभी हम नहीं निकाल सकते पासवर्ड, आपको ही पता है, आप लोग में से कोई नहीं निकाल सकते, जो है स्विच बेस्ड नेटवर्क में वो कर सकता है. हमारे ऑफिस में भी स्विच बेस्ड नेटवर्क है, जहाँ 10 से 15 लोग यूज कर रहे हैं एक ही नेटवर्क में, तो स्विच यूज होता ही है ना. तो स्टार्ट करते हैं पहले, तो सबसे पहला टूल जो है करते कैसे वो दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग स्विच बेस्ड नेटवर्क में जाकर के इसको ट्राई कर सकते हैं, और हम अभी वीडियो दिखाएंगे कि वीडियो के अंदर है वैसा किया हुआ, पासवर्ड निकाल के दिखाया हुआ है. तो ये टूल है, इसमें प्राइमरी इंटरफेस, अभी मैं WLAN वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो WLAN है ये काली लिनक्स के अंदर जो इंस्टॉल्ड आता है, अगर नहीं मिले तो नेट से गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं टूल को. ये क्या दिया हुआ है, WLAN 0 इथरनेट, ये सारा दिया हुआ है इसके अंदर. हमें क्या यूज करना है, WLAN यूज करना है, क्योंकि WLAN से ही तो कनेक्टेड है, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप. तो ब्रिज स्निफिंग होती क्या वैसे? ब्रिज स्निफिंग के बारे में नहीं पता है, ब्रिज पढ़े थे इसके अंदर जो ब्रिज कराया था मैंने, ये नेटवर्क का जो लिए थे, मेरे को याद नहीं है, सॉरी. आपके नेटवर्क की आईपी कितनी मिल रही थी इसमें? मेरे नेटवर्क की मेरे को याद नहीं, 192.168.0192 के रेंज में आ रही थी उसके पहले अगर. हाँ, देखिए ब्रिज का मोड का मतलब होता क्या है बता देते हैं, ठीक है. तो ब्रिज मोड मतलब होता है कि अटैकर हैज मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस एंड इज स्निफिंग एज ट्रैफिक प्रोसेस अ ब्रिज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. यूनिफाइड का यूज किसमें किया जाता है, यहाँ पर देखिए ब्रिज स्निफिंग मिलेगी, यूनिफाइड स्निफिंग मिलेगी, इसी के अंदर सारा मिलेगा. तो हम अभी जो यूज कर रहे हैं ब्रिज स्निफिंग यूज नहीं कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट हम ओके कर देंगे ना, तो ये कौन सा स्निफिंग होगा, यूनिफाइड स्निफिंग होगी. कौन सी स्निफिंग होगी, यूनिफाइड, ठीक है. ये 19.4 आप यूज कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर यूनिफाइड स्निफिंग का ऑप्शन रहेगा, लेकिन मेरे में ये क्या है, अपडेट करने के बाद ये ब्रिज स्निफिंग का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन हम इसको यूज कर नहीं रहे. लेकिन ब्रिज मोड का मतलब यही होता है कि अटैकर हैज मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस, अटैकर के पास बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस होंगे, और स्निफ करेगा एज ट्रैफिक क्रॉस अ ब्रिज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस पे जब ट्रैफिक ये पार होता है ना, तब इसके लिए ब्रिज मोड का यूज किया जाता है, ठीक. और यूनिफाइड यूज किया जाता है सिंगल नेटवर्क डिवाइस के लिए, हम सिर्फ अपना एक नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, इसलिए यूनिफाइड स्निफिंग कर रहे हैं. हमको करना होगा ब्रिज स्निफिंग, आपके पास मल्टीपल डिवाइस होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है. ओके, अगर इस पर करते हैं तो WLAN आपको कनेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप WLAN पर ही कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इसे, इसलिए क्लोज कर दिए. सही है, चले आगे. हाँ जी सर. अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया ब्रिज स्निफिंग के बारे में, तो अगर ब्रिज स्निफिंग हम करते हैं तो ये कैसे कनेक्ट कैसे होता है, मतलब सारे सिस्टम पे ये मतलब ले लेगा. हाँ, सारा सारा सिस्टम का ये ले लेगा खुद से, आपको कुछ नहीं करना इसमें. अच्छा, ये पूरा कंट्रोल ले लेगा सारे सिस्टम. हाँ. अभी जस्ट दिखा रहे हैं आपको करके. तो ये हो गया हमारा. अब इसमें करना क्या है, इसके अंदर एक काम कर लेते हैं, अपना विंडो 7 हम ओपन कर लेते हैं. तो विंडो 7 जब तक ओपन करेंगे
तो मेरा सिस्टम स्लो होगा, इसलिए तब तक वेट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हम दिखाएंगे अगर पासवर्ड मिलेगा नहीं, पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो अभी वीडियो कल वो वीडियो दिखा देंगे, ठीक है? एक बार ओपन हो जाए बस। ओके, विंडो ओपन हो चुका है मेरा, है ना? आवाज आ रही है ना सबको? यस यस चलिए सही है। फिर तो विंडो 7 मैंने ओपन किया हुआ है, अब क्या करना है, स्निफिंग करना है हमें। स्निफिंग कैसे करेंगे, तो स्निफिंग करने के लिए हमारे पास एक टूल है, जो टूल मैंने अभी जस्ट दिखाया हुआ अभी आप लोगों को। टूल कहाँ है हमारा, ये इटर कैप, ठीक है? टूल में क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करना, टूल ओपन किया मैंने, ये इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक किया, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्टेड, ठीक है? अब क्या क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एटर कैप मेन्यू, इस पर क्लिक करना है, होस्ट पर जाना है, होस्ट में जाने के बाद स्कैन फॉर होस्ट पर क्लिक करेंगे, ये स्कैन करना शुरू करेगा हमारे नेटवर्क को। क्या दिख रहा है, थ्री होस्ट एडेड टू द होस्ट लिस्ट, फिर इसी पर जाएंगे, फिर होस्ट पर क्लिक करेंगे, अगेन होस्ट लिस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो होस्ट लिस्ट पर क्लिक कर देने के बाद ये आपको दिख गया, ये एक आईपी किसकी है, ये आईपी ये मोबाइल फोन की है, इसको एड टू टारगेट 1 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, एड टू टारगेट 2 कर देंगे, सही है? दोनों को टारगेट कर दिया, जिस पर अटैक करना है आपको, सेकंड जिसकी किसके, ये आईपी पर करना हो। हाँ, थर्ड वाली किसके, 192 या आपके? ये भी ये मोबाइल फोन अरे की है, हाँ ये लैपटॉप मेरे लैपटॉप की है जो अभी हम चला रहे हैं काली लिनक्स, और ये विंडोज 7 की है। ओके ठीक है। तो 1 जो राउटर की होगी आईपी, उसको ऐड टू टारगेट 1 करेंगे, और जिस आईपी पर आपको अटैक करना है, जो भी होगा, यहाँ मान लेते हैं 165 था, तो 165 जिस पर करना होगा उसको सेलेक्ट करके ऐड टू टारगेट 2 कर लेंगे, सही है? ठीक है ये मैसेज आना जरूरी है, एडेड, सही है ना? ठीक है सर। चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर? वैसे एक चीज पूछनी है कि जैसे हाँ, अगर 8-10 डिवाइस होंगे तो अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा जिसका मुझे अटैक करना है वो कौन सा है? जिसमें जो भी होगा, कोई पर्सन एक पर ही अटैक करता है, अटैकर और क्या देखता है, अगर आप 10 पर्सन है, 100 पर्सन का बैठ जाइए आप, 100 पर्सन रहेगा तो उससे क्या मतलब, आपको जिस पर अटैक करना है उस पर आप करेंगे ना, देखेंगे कि कौन विंडो यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपके वो नेटवर्क में ही तो है बैठा हुआ, इसी लेकिन पर भी आप हमें अटैक अगर कर सकते हैं। देखो, एक एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज है ना, अगर 100 एम्प्लॉयज में से हमें क्या पता कि हमें किसके पीसी में से या किस कहाँ से सही जहां से इंफॉर्मेशन। जिसके पीसी से आपको डेटा निकालना है आप उसका निकाल सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। हाँ, नहीं नहीं लेकिन वो हमें थर्ड डिस्क्रिप्शन पर्सन। सारा देता है ना, मैक एड्रेस से, मैक एड्रेस से डिस्क्रिप्शन सारा देता है, मैक एड्रेस से क्या है, हैकर इसको यही करता है, फेक मैक एड्रेस से ही फिल कर देता है, ये मैक एड्रेस दिया हुआ रहेगा, ये सारी चीजें दी हुई रहती है यहाँ पर, है ना? लेकिन आप मैक एड्रेस वगैरह तो तब
देखो आपके आपके घर में एंड्रॉयड से क्या कनेक्टेड है और लैपटॉप किससे कनेक्टेड है वो आपको पता है, लेकिन जो एक हैकर होता है उसको तो नहीं पता होता मेरे घर में क्या क्या तो है, मेरा किसी भी आप मोबाइल नेटवर्क कैसे। में किसी भी पर्सन पर कर सकते हैं जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होगा। अब आप आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप हमारे नेटवर्क में, यही तो मना किया जाता है कि अगर आप नेटवर्क के अंदर आते हैं तो कभी भी कोई भी फ्री वाईफाई नेटवर्क के अंदर लॉगिन अपना पेज नहीं करना है, ठीक है? इसलिए तो स्ट्रिक्ट किया जाता है। स्निफिंग का काम क्या होता है, मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब कि कोई भी चीज अगर आपका ब्राउजर पर जा रहा है तो अटैकर उसको बीच में पैकेट को कैप्चर करता है, अटैकर कैप्चर करेगा जा रहा हो, मे बी आप उस टाइम अगर लॉगिन कर लेते हैं तो अटैकर के लिए फायदेमंद ही है, अगर नहीं करते हैं तो उसको आएगा ऐसे स्निफिंग करके और चला जाएगा, है ना? मैं बताता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा, मतलब हम चारों बैठे स्टारबक्स में, उसका फ्री वाईफाई कनेक्ट करके बैठे हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल हम सब बैठे हैं और मुझे आपका सिस्टम हैक करना है सर, तो अब मुझे ये सिर्फ यहाँ पर लिखा रही है आईपी और मैक आ रहे हैं, आगे कुछ डिटेल्स सिस्टम ये लिखा है। हैक नहीं हो रहा है, ये हैक सिस्टम नहीं हो रहा है, पहला बता दें आप, सिस्टम हैक नहीं हो रहा है, इसमें स्निफिंग करके हम आपके पैकेट को कैप्चर कर रहे हैं, हाँ मतलब जिसकी पैकेट किसी कैप्चर कर रहे हैं। कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं पता हो, नहीं भी पता हो तो आप किसी का भी यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि स्निफिंग जब होती है बड़े बड़े नेटवर्क में तो उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि किसकी आप पीसी का कर रहे हैं, ठीक ओके है? ओके ठीक है। अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अगर स्निफिंग करने का मन ही है तो वीएपीटी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किसका है, कौन से लैपटॉप का है, वो सारी चीजें चेक करेंगे पहले, और चेक करके वो निकालेंगे, वो सब सब सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। तो आप जैसे हमारा अभी ये पीसी का नहीं आ रहा है ना, नहीं तो मेरे पीसी का यहाँ पर नेम लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, दीपक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा आपको, आप स्कैनिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मैक, जिसका कनेक्टेड होगा मैक दिखाएंगे वीडियो में, तो जिसका एचपी का अगर होगा तो एचपी दिखेगा, डेल का होगा डेल का दिखेगा, डेल का अगर 10 जून आपको देखना पड़ेगा कि किसकी आईपी में हम स्कैनिंग करके निकालते हैं, अगर एक स्पेसिफिक टारगेट पर करना है कि हाँ वो लॉगिन करेगा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान लॉगिन करेगा? जैसे 179 वाली मेरी आईपी है ना, ये आप इस पर स्निफिंग कर रहे हैं और आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये क्या करेगा कि जा करके ये कोई पेज, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते, बात समझ रहे हैं, है ना? तो इसमें किसी पर भी जाता है और वो एक तरह से पैकेट्स कुछ भी जाएगा तो कैप्चर आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कर दिया मैंने, है ना? चले आगे, यस सर। अब इसमें क्या जाएंगे, यहाँ पर MITM मेन्यू में जाएंगे, मलका समझ आ रही है आपको? यस सर। गीता मैम कहाँ चले गए? हाँ मैंने म्यूट हेलो, करवा था। हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक, समझ आ रही है ना? हाँ जी आर पॉइजनिंग में जाएंगे, ARP पॉइजनिंग, कल बताया था आर पॉइजनिंग के बारे में, मतलब पिछले क्लास में, आर पॉइजनिंग में जाएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, अब ये स्निफिंग स्टार्ट हो गया है। अब विंडोज 7 में कोई पर्सन, अब तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये अटैकर यहाँ पर आकर के, 1 सेकेंड, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आप टूल्स बताएंगे, खुद से भी ट्राई करना होगा तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप यही एक टूल यूज करें, इससे हम HTTP वेबसाइट का बस दिखाएंगे करके, ठीक है, कि कैसे HTTP वेबसाइट का आप कर सकते हो, और कुछ भी जो टूल्स होंगे ना वो उन सब टूल्स के बारे में बता देंगे, लिस्ट दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, ये अटैक कहाँ पर हुआ क्या हुआ ये सारा दिखेगा यहाँ पर, जो भी दिखेगा। एक बार ये ओपन कर लिया मैंने, अब यहाँ पर एक गूगल डॉक डालते हैं, साइट कॉलम क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर, ये .in HTTP वेबसाइट ढूंढने के लिए और लॉगिन पेज चाहिए उसका, क्या ये रोबोट कहा जाता है, ये गूगल डॉक है।
ठीक है, एक ये वेबसाइट का लॉगिन पेज है, इसमें लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। मुझे नहीं पता कुछ भी, ईमेल आईडी है ना जो भी होगा सारा दिखते जाएगा, crow@gmail.com कुछ भी डाल देते हैं, और ये 12345 कुछ भी डाल देते हैं 123, और चेक करते हैं, देखते हैं ये लॉगिन होगा या नहीं। लॉगिन तो नहीं होगा, लेकिन जो भी डालेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मिल गया। दिखा पासवर्ड यहाँ नीचे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर, यस सर, आज मोबाइल में भी चल गया, बहुत बढ़िया। सही है, crow@gmail.com, ये ईमेल आईडी हमारा आ गया, और ये पासवर्ड क्या आ गया, 12345, मैंने ये डाला था ना। यस सर, इस वेबसाइट पे मैंने डाला था ये iiscr.pune.ac.in, इस पर ही मैंने डाला था। सही है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, फिर अगला टूल बताएंगे। नहीं तो आपने ये करा कि आपने इसको ये बैकग्राउंड में चला करके वो वेबसाइट पे करा ना? नहीं अभी... नहीं, आप हमारे नेटवर्क के अंदर आप आए, आप है, सपोज करिए मेरे नेटवर्क के अंदर बैठे हुए, ठीक है, और स्निफिंग पता तो है नहीं कि आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी पर कर रहे हैं, आप गए आपके सिस्टम को मैंने क्या किया, टारगेट टू में ऐड कर दिया, ये आपकी आईपी है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड टू टारगेट टू कर लिया, ऐड टू टारगेट टू करने के बाद आप सपोज करिए उसी टाइम में लॉग इन कर लिए कोई भी आप HTTP की वेबसाइट, HTTPS पर भी होता है ना, तो आप क्या करते हैं HTTP की वेबसाइट कोई लॉग इन कर लिए वहां पर, तो जैसे ही अगर आप लॉग इन करेंगे तो इजिली आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा। देखिए कितना क्लियर टेक्स्ट में आया है, आया ना क्लियर टेक्स्ट में, तो इस तरह से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे पास पहुंच जाएगा। ओके, सही है, ओके, कोई डाउट्स इसमें अभी भी? इसलिए कहा जाता है ना कि पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो अपना पर्सनल गूगल पे, अपना फोन पे और पेटीएम या जो भी आप यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज नहीं करना है ना, पासवर्ड नहीं चेंज करना आपको, अपने ऑनलाइन बैंक का कुछ काम नहीं करना, ये सारी चीजों को करने से बचना है आपको, है ना। सही है ना, कोई डाउट अभी भी? मेरे को लग रहा है अभी भी डाउट है आप लोगों को। हेलो, वो थोड़ा वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे सर, बाकी होंगे तो आपसे पूछ लूंगा मैं। अच्छा, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे फिर, आज एक और टूल बता देते हैं, और उसके बाद इसका एक और जो है ना वायर सार्क के ही जैसा टूल है, उसके बारे में कल। तो चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं अब स्निफिंग, अब दिखाते हैं दूसरा टूल पर कैसे करते हैं, दूसरे टूल पर जिस पे SSL की भी स्ट्रिप चलती है। मोबाइल से पहला बार चल गया है, मोबाइल के नेटवर्क पर भी स्निफिंग हो गई आज। दिख रहा है ना, मोबाइल के ही वाईफाई से कनेक्टेड है, और उस पर भी आज क्या हो गया कि स्निफिंग होकर के पासवर्ड निकल गया। होता नहीं है क्या सर? नहीं, मोबाइल पर नहीं होता है, लेकिन आज हो गया, चलिए कोई नहीं, समय समय की बात है। तो जीरो एक्सप्लोइट यूज करते हैं, जीरो एक्सप्लोइट टूल है, इस टूल के थ्रू भी आप यूजर नेम और पासवर्ड्स आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कुछ नहीं पता, हेल्प कर लेंगे यहाँ पर। देखिए दिख गया होस्ट नेम, होस्ट नेम यहाँ पर दिखा 43.1, यस सर, यस सर, दिख गया, हेल्प कर लिए। अब क्या करना है, स्कैन करना है हमारे नेटवर्क को, तो स्कैन कर लेते हैं, मेरे नेटवर्क को ये स्कैन करेगा और जितनी आईपी है वो सब दिखा देगा। फोन है तो Xiaomi का फोन दिखा दिया, ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर चल रहा है तो वर्चुअल बॉक्स का दिखा देगा, ये 36 है तो ये डिवाइस का है वो दिखा दिया, जितना रहता है ना वो सब नाम वाम के साथ दिखाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसको टारगेट लेना है? हेलो, हाँ हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। ओके दीपक, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सॉरी ये था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्टारबक्स पे बैठा और मैं उनके पैसे कनेक्ट किया, मैंने क्या करा, ये टूल्स चलाए अपने लैपटॉप में, वहां बैठे जितने भी लोग होंगे उनको मैं यहाँ से स्कैन कर सकती हूँ, मतलब हाँ यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, उनकी आईपी मिलेगी आपको, और पहले तो आपको ये आईपी चाहिए आपकी, क्या बोलते हैं, राउटर की आईपी चाहिए आपको, मतलब गेटवे, एंड आफ्टर दैट आप जिस पर अटैक करना है उसकी आईपी, ये दो आईपी चाहिए होगी तभी आप कर सकते हैं। ओके, ओके, रिक्वायरमेंट इसमें यही है, एक गेटवे और दूसरा जिस पर अटैक करना है आपको, ठीक है, चले आगे। ये तो आपने टारगेट की आईपी डाल लो ना? हाँ, ये टारगेट की आईपी, वो यहाँ पर पहले अपने खुद से सेट रहता है ये, क्योंकि सबको पता है कि ये डिफॉल्ट आईपी लेगा ही लेगा, तो ये पहले से सेट कर दिया क्योंकि वो तो मस्ट है,
टारगेट की आईपी डाल दिया मैंने, अब बोल रहा है एसएसएल स्ट्रिप भी लगाना है, नहीं अच्छा कौन सा मॉड्यूल आपको लेना है, ये हेल्प कर लिया, क्या करना है स्निफिंग करना है ना, स्निफ sniff, अब क्या कर रहा है, प्लीज टाइप रन टू एग्जीक्यूट द स्निफ कमांड, रन कर लीजिए इसको, तो रन कर लिया, पूछ रहा है क्या एसएसएल स्ट्रिप भी करना है, तो यस कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, दिख गया यहाँ पर सुरेश प्लेट हमारा ओपन हो चुका है, विंडोज 7 में जा करके फिर से इसी को ओपन करिए या https की जो वेबसाइट है उसको भी ओपन कर सकते हैं, देखते हैं किससे मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें डेटा भी सेव हो जाता है, लॉगिन करके देखते हैं ये यूजर आईडी पासवर्ड गया या नहीं गया, आ गया यूजर आईडी पासवर्ड, तो इसके अंदर https वाले भी कर सकते हैं, हाँ ये SSL तो स्क्रिप्ट किया ना, ये SSL का इस पर ट्राई करिए, अब डायरेक्ट फेसबुक पर ना चले जाइएगा, समझ गए, इस पे https पर करके घर से ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि SSL स्क्रिप्ट यहाँ पर अभी ऑन है, ऑन दिख रहा है ना यहाँ पर, जो भी होगा ये सारा यहाँ पर आपको मिलते जाएगा, अब कोई डाउट है यहाँ पर तो बताइए, अदरवाइज घर पर इसको करके आइए, क्योंकि यूजर आई डी मैंने पासवर्ड दिखा दिया, और यहाँ पर आपको कुकी भी दिख रही होगी, वेबसाइट की कुकी देखिए इतना सारा दिया हुआ है, पूरा एकदम अलग टाइप का ये करके कुकी से है ना, ये कुकी दिख रहा है यहाँ पर, कुकी यहाँ पर लिखा हुआ है कुकी, जहाँ मेरा कर्सर है, कर्सर देखिए, हाँ जी बड़ा कर देते हैं तब दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है, चलिए सही, क्यों अब बता रहे हैं ना कुकी पर क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में ये कुकी का रोल होगा, इम्पोर्टेंट रोल होगा ये, इसलिए कुकी का बात कर रहे हैं, कि कुकी हमें सर कुकीज होते क्या है एक्सप्लेन कर दीजिए, बताएंगे इसके बारे में आगे, कुकी के बारे में बताएंगे जब इसका काम आएगा तो, है ना, बस ये बताए कि देखिए कुकी है इसमें या नहीं, ये याद दिलाने के लिए बस और कुछ नहीं, है ना, तो ठीक है, ईमेल आईडी मिल गया मुझे, पासवर्ड भी मिल गया मुझे, फॉर समिट ट्रू था तो ट्रू है, एसएसएल स्ट्रिप के लिए वहां पर भी देख सकते हैं, सारा एसएसएल का होगा स्ट्रिप तो वो सारा दिख जाएगा आपको, जो भी इसमें ओपन करना है, कैसे वाला डेटा सेव भी कर सकते हैं, कैसे सेव करते हैं, सेव हो गया ये डेटा, ओके ये डेटा सेव है यहां पर, पूछ देंगे कंट्रोल सी कर दे, पूछ रहा है क्या ये सेव आप करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए, सेव हो जाएगा यहां पर सेव होगा, कर लेते हैं यस, क्या क्या मैंने कहा, मुझे बस एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे जिसका हम ऐसे पासवर्ड वगैरह निकाल रहे हैं उन लोगों को पता नहीं चलता ना, इसमें कुछ नहीं पता चलता है, आप करके भी देख लीजिएगा ना, कुछ भी नहीं, कोई अलर्ट वलर्ट कुछ भी नहीं, गलती इसमें आपकी है, आपकी गलती है, आप क्यों कुछ दूसरे के नेटवर्क में जा करके फ्री का काम करने के लिए सोचते हैं, है ना, अब इसी के अंदर वो पासवर्ड मिल जाएगा जो अभी सेव किया, आज कौन सी डेट है, सारा दिख गया जो जो हमने डाला था, पीकेफ फाइल क्या होती है, आ गया एक पीकेफ फाइल ही डाला थे ना, पीकेफ फाइल एक आ गया, पीकेफ फाइल का मतलब होता है जो वायर शार्क में जिसको ओपन कर सकते हैं वही पीकेफ फाइल होती है, तो ये करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं डॉट पी क्या और इंटर करेंगे, वायर शार्क में ये ओपन हो जाएगा, इसका पीकेफ फाइल, पीकेफ फाइल ओपन होता है वायर शार्क के अंदर, और इसके अंदर भी जाकर के आप वो देख सकते हैं जो अभी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इसका ये पीकेफ फाइल वायर शार्क के अंदर ओपन करते हैं, सब काम मेरे से करवाइएगा तो फिर आप लोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, है ना, सही है, तो इसको करके आइए फिर नेक्स्ट डे इसको देखते हैं आगे, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, नॉट है, अब तो आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि मेरे मोबाइल पर जो चल गया तो आप लोग का तो राउटर है ना, ओके
ये भी शायद चल जाए, लेकिन HTTP वेबसाइट पर पहले देखिएगा, पहले HTTPS पर ही मत चले जाइएगा। कैसे देखते हैं HTTP का, तो बताया था साइट कॉलम डॉट इन, इन यू आर एल लॉग इन डॉट पी एच पी एंड इन यू आर एल HTTP। ओके ओके ठीक है, इसको करिए फिर नेक्स्ट डे में, मतलब ट्यूजडे को फिर मिलते हैं, तो तब तक पॉजिटिव रिस्पांस कुछ आना चाहिए, तब नेक्स्ट डे से सोशल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है सर, कल और परसों मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी क्योंकि मेरा एंट्रेंस है मंडे में। परसों की क्लास नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं इनकी क्लास ये लेती है, डबल रिपीट कर देती है, है ना? चलिए ठीक है फिर, ठीक है ओके ओके दीपक, थैंक यू, ओके थैंक यू, बाय बाय।